तो बात कर रहे हैं पिवट टेबल में कैलकुलेशंस की। आपके सामने एक डेटा है, इस डेटा का मैंने पिवट टेबल लगाया। पिवट टेबल लगाने के बाद मान लीजिए मैंने नेम बाय जनवरी का टोटल लिखा, तो आपके सामने नेम बाय जनवरी का टोटल यहाँ पे दिख गया। अब मान लीजिए कि मेरे पास इसके टारगेट है, मेरे पास मैं जनवरी का टोटल सम की जगह पे काउंट लेता हूँ यहाँ पे। हाँ मान लीजिए मुझे इसका यहाँ पे एक टोटल है, एक टारगेट है, क्योंकि तो मैं सबसे लास्ट में लिखता हूँ यहाँ टारगेट, टारगेट और हमारा टारगेट। अब पिवट टेबल में टारगेट तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने लास्ट में एंट्री की है। पिवट टेबल ऑटो डेटा सिलेक्ट नहीं करता है, पिवट टेबल लगाते समय मेरा डेटा ए सिलेक्शन हुआ था 791, तो पिवट टेबल 791 तक लगा, 792 आपने ऐड किया तो पिवट टेबल को, आप पिवट टेबल की जो ए है डेटा है उसको जरूरत है आपको अपडेट करने। तो पिवट टेबल एनालाइज में आप जाएंगे, यहीं पे आपको दिखेगा चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स इस पे आइए और दोबारा से डेटा को सिलेक्ट कर। समझे? यहां टारगेट आ गया, मैं एक बार सम कर देता हूं, 1090 है। अब मैं इसका टारगेट बढ़ा देता हूं, दिया क्या डिफरेंस। अच्छा मुझे अब क्या करना है कि 50,000 जो टारगेट है उसे बाकी सबको डिवाइड करके परसेंटेज निकालना। ये चीज आप कर सकते हैं, जो यहाँ पे साइड में जो एरो निशान होता है जहां पे क्लिक करके आप वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाते हैं और शो वैल्यू एज पे जाते हैं, जहां डिफॉल्ट होता है नो कैलकुलेशन। इस नो कैलकुलेशन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जो है परसेंटेज ऑफ लीजिए और परसेंटेज ऑफ में यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए टारगेट एंड ओके। आ गया सर, कैलकुलेशन आ गई, परसेंटेज बनना है आपको कि नहीं? हेलो, सर एक एक बार वापिस बताएंगे प्लीज। चलिए तो बेसिकली मैं टोटल जो ऐड किया ये तो समझ में आ गया आपको। तो हाँ सर, आपको जो सम, अब मुझे क्या करना है, जो टारगेट का जो टोटल है इससे बाकी सबको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैनुअली करने में दिक्कत होगी सर, तो आप जो है यहाँ सम ऑफ जैन के बगल में जो एरो का निशान दिख रहा है छोटा सा, हाँ इस सर, करते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग की जस्ट बगल में होता है वैल्यू शो वैल्यू एज पे आएंगे, जहां पे डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन होगा वहां पे आप परसेंटेज ऑफ को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? परसेंटेज ऑफ को। ऑफ। और फिर यहां से आप जो है स्क्रॉल करके टारगेट को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ठीक है, जी अब यहाँ पे जैन को एक बार और रख सकते हो इसके ऊपर, ये हो गया यहाँ पे हो गया, यहाँ पे टारगेट अचीवमेंट हो गई। क्या मतलब कि आप जो है वैल्यू के अंदर में एक फील्ड को मोर देन वन टाइम रख सकते हो। अब यहाँ सर, पे वहां ये परसेंटेज ऑफ के अलावा और भी बहुत सारा ऑप्शन था, परसेंटेज ऑफ टारगेट कर मैं बता सकते रहा थे। हूँ, तो सब्र कीजिए मैम, जी अभी क्या है ना एक बार में एक ही बताएंगे ना। जी नहीं वहां पे दिखा था तो वही इसलिए क्वेश्चन है। बता रहे टेंशन मत लीजिए, सब बताएंगे आप। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया सिटी, दीजिए
हेलो हेलो, हेलो। मेरे को आवाज नहीं आ रही, क्लास हो ही नहीं रही है। नहीं, अभी सर ने होल्ड पे डाला है, सर का फोन आ गया। ओ
सॉरी 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 सॉरी, एक कॉल आ गई थी पर्सनल, हमारे ससुराल से आ रही थी। ससुराल में फोन में काटने का मतलब है कि रात में खाना नहीं मिलेगा, समझे? चलिए माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे हेलो प्रशंसा जी, सुन रहे हैं कि नहीं? जी सर, जी सर। लाए नाराज हो गए क्या? अरे ना ना, मैंने बोला कोई बात नहीं। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो नो कैलकुलेशन और था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जानी है कि यहाँ पे जो टोटल आ रही है, तो ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे टोटल्स, ये जो टोटल्स आपके दिख रहे हैं, ये इसको बोला जाता है रो टोटल, और नीचे जो यहाँ दिख रहा है इसको बोला जाता है कॉलम टोटल, और इसको जो बोला जाता है ग्रांड टोटल। ठीक है, ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका ग्रांड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मैंने बोला ये रो, सर ये कॉलम हो जाएगा ना? हाँ, नीचे का कॉलम होगा, ये रो होगा। रो की टोटल हुई ना सर, इसकी सबकी टोटल हुई ना? अच्छा अच्छा, ऐसे ओके, मतलब कि यहाँ देखिए इस सब की टोटल हुई, यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है ये इसका टोटल हुआ ना पूरा का पूरा, ये ठीक है ठीक है। और ये जो टोटल हुआ ये पूरा इस कॉलम का टोटल हुआ, ये पूरा कॉलम का, समझे? ओके सर। तो यहाँ पे अगर हमने बोला ग्रांड टोटल, तो जो ये ग्रांड टोटल है ना, इससे ये पूरा नंबर को डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकाल, ठीक है? ओके करता हूँ, ठीक है सर। ये 100% हो गया, ये 100% हो गया, और ये बताया कि पूजा जो है ये 2% है, 17% है, 19% है, ये पूरा देखा ओवरऑल को, और ये बता रहा है कि 78% पूजा ने सेल किया है ओवरऑल का, जिसमें से पुणे में 2% है, और यहाँ पुणे पुणे जो है 12% ओवरऑल का अपना होल्ड रखता है। इससे दो इंफॉर्मेशन पता चलती है, समझे? पहला इंफॉर्मेशन मिलता है कि किस सिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल सेल में, और किस पर्सन का कितना सेल, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल सेल में। क्लियर है? रो एंड कॉलम था इसके। सर सर एक मिनट, ये 12% उसमें ऐड होके 100% आया है आई थिंक टारगेट। नहीं, ये सबका टोटल 100%, इसका टोटल 100% है, ये जो टोटल दिख रहा है ना सर। हाँ, तो वही तो टारगेट, यहाँ पे टारगेट को पकड़ के आ रहा है आई थिंक। हाँ, 100% आया, और इसका भी टोटल 100% होगा, इन दोनों का टोटल 100%, समझे? अगर मैं इसको नो कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो यहाँ जो आपका आया 3909444, ये तो इस सबका टोटल है ना, इसका भी टोटल है सेम, दिख रहा है, दिख रहा होगा, और इसका भी टोटल है, तो ग्रांड टोटल का मतलब यही होता है ना, दोनों तरफ का टोटल सेम होता है, समझे? नहीं नहीं, मेरा कहना यह है कि जो टारगेट है ना, तो टारगेट का भी टोटल उसमें ऐड हो रहा है। हाँ, टारगेट टोटल ऐड हो गया, टारगेट हटाया तो ये फिल्टर साथ फिल्टर लगा के हटा दीजिएगा, ठीक कर दीजिए। हाँ, तो 100% फिर 100% वो ठीक रहेगा आई थिंक। टारगेट को, इस टारगेट को इग्नोर कर, राइट? मैंने ये टारगेट दूसरे टॉपिक के लिए बताया था, इसमें से कोई लिंक नहीं। उसके बाद मान लीजिए आपके पास एक कॉलम है, तो यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, रो है तो रो टोटल कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर करना जो बताया मैंने आपको थोड़ा देर पहले। उसके बाद था परसेंटेज ऑफ पैरेंट रो टोटल, पैरेंट कॉलम टोटल, उसी तरह से और भी है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, रनिंग टोटल करेंगे तो आपका रनिंग टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल आ जाता है, देखिए आ गया ना, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये रिजल्ट आया, इन तीनों को जोड़ने के बाद ये रिजल्ट आया, इन चारों को जोड़ने के बाद ये रिजल्ट आया, इन पांचों को जोड़ने के बाद एक रिजल्ट आया, क्यूम्युलेटिव आ जाएगा, क्यूम्युलेटिव होता है। तो बाकी यहाँ और भी है, उसको आप अपने हिसाब से देखिएगा, अगर कुछ समझ में ना आए तो कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है सर? ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम टोटल की। अब जैसे कि आप मेरे डेटा में देख पा रहे हैं, डेटा में मेरे पास यहाँ पे टोटल नहीं है,
और याद होगा मैं टेस्ट में भी यही सवाल पूछा था, समझे? यहाँ टोटल नहीं है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए कि पूजा का ओवरऑल पूरे साल में कितना सेल हुआ, तो मुझे यहाँ पे टोटल लिखने पड़ेंगे ना सर। लेकिन मैं डेटा में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं चाहता, इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट फ्यूबर टेबल देन ओके एंड हम नेम को लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल ना लिख के हम क्या करते हैं, एनालाइज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा फील्ड आइटम सेट, इसमें कैलकुलेटेड आइटम फील्ड पे क्लिक करें और यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल, और फिर यहाँ पे आप वन बाय वन दे दीजिए इंसर्ट फॉर्म, यहाँ पे प्लस फरवरी को इंसर्ट किया, यहाँ इंसर्ट प्लस प्लस मार्च अप्रैल इंसर्ट प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड ऐड, ठीक है। अब इसमें मुझे मान लो कैलकुलेशन करना है कि मुझे इस पे जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी और मुझे टोटल का 18% निकालना है, तो टोटल को यहां लीजिए इंसर्ट कीजिए मल्टीप्लाई बाय 18% ठीक है। तो आप जो है आप कैलकुलेटेड फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाना चाहे लगा सकते हैं। जैसे मुझे इफ का मुझे इंसेंटिव देना है, इफ का फॉर्मूला लगा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाना है, तो इफ का फॉर्मूला भी कैलकुलेटेड फील्ड में जाके आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने दिया INC इंसेंटिव या कमीशन, यहाँ पे कमीशन, ठीक है। कमीशन में हमने बोला कि इफ ब्रैकेट में ये आपका सम ऑफ टोटल दिख रहा है, यहाँ पे टोटल इज ग्रेटर देन इकाई दहाई सैकड़ा हजार पचास लाख दस लाख, तो टोटल का 2%, अदरवाइज टोटल का 1%, ऐड किए आगे कमीशन। इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते, ठीक है। प्रशंसा जी, यस सर। सुरेश जी, चिंतू जी, यस सर, गॉट इट। यस सर, तो आप जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, कल इसमें जो भी चीजें आपको और चाहिए होगी हम करके दिखा देंगे, ठीक है। ओके सर, चलो, ओके, गुड नाइट।
हाँ